नमस्कार सभी को। मैं भारत दहिया अपने साथी संजीव डागर के साथ आज आपके सामने हम कुछ जीवन उपयोगी चीज़ें लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक शिक्षा व्यवहारिकता में, स्किल व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में काम ना आए, तब तक वो शिक्षा शिक्षा नहीं है, कोरा कागजी ज्ञान ही रहता है। तो क्योंकि मैं एक स्काउट हूँ, भारत स्काउट एंड गाइड से हम जुड़े हुए हैं, तो उसमें एक जो कॉन्सेप्ट है पायनियरिंग, उसके विषय में हम कुछ वीडियो आपके सामने शेयर करेंगे, कुछ बेसिक गांठें। क्योंकि आज के जीवन में हमने स्कूली शिक्षा, कागजी ज्ञान, किताबी ज्ञान ले लिया है, लेकिन असलियत में व्यवहारिक जीवन में जो चीज़ें होनी चाहिए उनसे हम अधूरे हैं। देखने में यह आता है कि इस भौतिकतावादी युग में, अत्याधुनिक माहौल में, इस जीवन शैली में, इवन देन गांव के लोग भी, गांव के पढ़ने वाले बच्चे भी इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो उसमें आज हम छोटा सा न्यूनाधिक प्रयास हमारा रहेगा कि आपको कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाकर ऐसी चीज़ें हम आपके सामने पेश करेंगे जिससे बच्चे उन्हें सीख सकते हैं, जिसमें अपनी कैंपिंग लाइफ में, अपने घरेलू कामों में उन चीज़ों का उपयोग करेंगे और वो हमारे लिए उपयोगी साबित होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कुछ बेसिक्स गांठों के बारे में, क्योंकि मनुष्य के दैनिक जीवन में रस्सी, शुरू से आदिकाल से और अब तक रस्सी की जो उपयोगिता है वो सदा से रही है, आज भी है। क्योंकि गांठें लगाना, किसी टूटी हुई चीज़ को जोड़ना, ये हमारे दैनिक जीवन की चीज़ें हैं। तो कुछ बेसिक नोट आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। पहली है रीफ नोट। रीफ नोट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, कोई भी रस्सी, या आप रस्सी देख रहे हैं, छोटी है, बाकी स्काउटिंग में 3 मीटर की जो है रस्सी चलती है, तो ये आपकी सुविधा के हिसाब से मैंने एक रस्सी ली है। तो रस्सी के हमेशा 2 सिरे होते हैं। पहला सिरा एक्टिव, दूसरा स्लीप, यानी चलित सिरा और सुसुप्त सिरा। एक्टिव एंड स्लीप एंड, एक्टिव एंड उसे कहते हैं जब हम गांठे लगाएंगे, जब वो चलेंगे, जो चले। जैसे ये है, अब मान लो ये गांठे लगाऊंगा तो ये सिरा चल रहा है, ये 2 सिरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गोल्डन और आपकी सुविधा के लिए ये ब्लैक। तो अब मैं इस रस्सी से ऐसे गांठ लगाऊं, मान लो ये, तो ये सिरा चल रहा है, तो ये इसका एक्टिव एंड है और ये इसका स्लीप एंड है। तो आप ये समझें कि हर एक सिरे, जो 2 सिरे होते हैं, स्लीप एंड, एक तो एक्टिव होता है, एक स्लीप होता है, एक चलित, एक सुसुप्त। अब अगली वीडियो में, क्योंकि अब मैं ज़्यादा इसकी गहराई में जाऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए इसके सिरों को मैंने टेप से सुरक्षित कर रखा है जल्दी में, लेकिन इसके और भी तरीके हैं जिसको हम धागे से हम इसे सुरक्षित कर लेते हैं, वो पूरी तरह से प्राकृतिक है, ये थोड़ा आर्टिफिशियल है। तो उस चीज़ को मैं अगले वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा, किसी ना किसी वीडियो में। तो अब हम अपनी जो मूल बात पे आते हैं, रीफ नॉट। रीफ नॉट, या आप यूं कह लें डॉक्टरी गांठ, पार्सल गांठ,
भी उसको कहा जाता है। तो किस तरीके से लगाते हैं, पहले रीफ नोट लगाएंगे, दूसरे हैं इसको आप यूँ समझें बिल्कुल आसान भाषा में, मैंने एक तरीका ये बनाया है कि कोई भी चीज़ पहले जो हमारा एक्टिव एंड है रस्सी का वो चलेगा ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, इस तरीके से ये दो लूप मिल जाएंगे। और इसकी खासियत ये है कि एक लूप दूसरे लूप में जो है वो फंस जाता है, घुस जाता है। अब देखिए ये हो गया हमारा इस तरीके से लूप के, एक बार फिर देखें, ये होता है लूप, इसे कहते हैं लूप। इस तरीके से दो लूप बनते हैं और वो जो लूप है वो एक दूसरे के अंदर सेट हो जाते हैं। तो किस तरीके से, देखिए रीफ नोट में ये सिरा लिया, इसको ऊपर रख दिया स्लीप एंड के ऊपर, और इसी सिरे को जो चलित हिस्सा है हमारा उसी को निकाला हमने धीरे से नीचे, फिर इसी को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि ये चलित हिस्सा है, ऊपर, और इसी को यहाँ से ले लिया नीचे से, यानी नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। ये बन गया हमारा रीफ नोट। अब इसकी खासियत क्या है दोस्तों, इसकी खासियत ये होती है कि रीफ नोट जो है वो कहीं पे भी आपको गांठ दिखाई नहीं देगी, वो आपको एक गद्दे की तरह दिखाई देगी। इसको डॉक्टरी गांठ भी इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट एड में प्राथमिक चिकित्सा जब हम करते हैं तो उसमें जिससे घाव के ऊपर कोई, अगर हम ऐसे ही गांठ लगा दें, एक साधारण सी गांठ आप देखें, ये यूं ही करके ऐसे लगा दूं ऐसे, तो ये क्या बन गई, अब ये गांठ क्या हो गई, ये खड़ी गांठ हो गई, ये घाव में भी चुभेगी, घाव में इसको ये लगेगी और वहाँ पर दर्द करेगी। तो इसलिए डॉक्टरी गांठ में रीफ नॉट, इसलिए डॉक्टरी गांठ भी इसको कहते हैं क्योंकि डॉक्टर इसी गांठ को लगाते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ये इस तरीके से ये क्या हो गई, बिल्कुल प्लेन हो गई, यहाँ पर कहीं भी कोई गांठ आपको दिखाई नहीं दे रही, ये गद्दे का काम करेगी, ये सपोर्ट का काम करेगी घाव के ऊपर, इसलिए इसे डॉक्टरी गांठ भी कहते हैं क्योंकि डॉक्टर और जितने भी हमारे प्राकृतिक चिकित्सक स्काउट्स जो भी है इसको लगाते हैं। इसको पार्सल गांठ भी कहते हैं दोस्तों, पार्सल गांठ होती है, जैसे मान लो पार्सल हमने बांधा और उसके ऊपर हम लाख से स्टैंप लगाते हैं, सील लगाते हैं, तो जो सील अच्छे से लग जाए उस पर, वो खुले ना, इसीलिए इसको पार्सल गांठ भी हम अपनी लोकल स्थानीय भाषा में कह देते हैं। वैसे इसका जो नाम है वो है रीफ नॉट। तो दोस्तों ये मैंने आज आपके सामने बताया रीफ नॉट किस तरीके से लगाई जाती है, कहाँ पर उपयोग होती है, डॉक्टर उपयोग करते हैं, प्राथमिक चिकित्सक उपयोग करते हैं, पार्सल में उपयोग होता है, और जहाँ पर हमें ऐसी सुविधा हो कि ये चीज़ हम बिल्कुल, और इवन देन मैं बताऊँ हमारे ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे खाट बुनते हैं, जो उन दो रस्सियों को जोड़ने के लिए जिससे खाट के अंदर कोई गांठ ना बने, जिससे हमारे शरीर में वो चुभे ना, इसलिए बड़े बूढ़े हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो इसी नॉट का प्रयोग करते थे, रीफ नॉट का। और वो ये ऐसी होती है कि इसको जितना भी खींचेंगे या वही, तो ये खुलेगी नहीं क्योंकि एक लूप दूसरे लूप को ओवरलैप करके आ जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे मिलेंगे एक नई गांठ के साथ। आज आप इसको देखें, इसको रीफ नॉट। थैंक यू, नमस्कार, स्काउट सैल्यूट।